Starting with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamualaikum students, hope all of you are doing well. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Today we will start our 6th lecture of vertebrates and I am your course instructor, Sehri Shumar. आज बेसिकली हमने अपना सिक्स लेक्चर स्टार्ट करना है दैट इज़ अबाउट द एगनीथंस जैसे कि आप जानते हैं हमने लास्ट लेक्चर में भी एगनीथन्स को डिस्कस किया था उसमें हमने इसके जनरल करेक्टर्स डिस्कस किए थे हमने कहा था कि एगनीथन्स बेसिकली जॉलेस फिशिज़ हैं जिनके अंदर पेयर्ड अपेंडिजिज भी एबसेंट होते हैं इसके अलावा हमने इनको दो क्लासेज में डिवाइड किया था दैट वॉज क्लास मिक्जनी एंड क्लास फेलास्पीडो मॉर्फी ठीक है इसके अलावा हमने डिस्कस किया था ऑस्ट्रैकोडम्स को ओस्ट्रैकोडम्स दैट वार्स दैट वार एक्सटिंक्ट एग्नेथेंस ठीक है और हमने क्लास मिक्गनी में क्या डिस्कस किया था बेसिकली हमने हैक फिश को डिस्कस किया था उसके उसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को उसके स्ट्रक्चर को डिटेल में हमने डिस्कस किया था आज हमने जो डिस्कस करनी है इसकी सेकेंड क्लास है दैट इज़ क्लास पेलास्पीडो मॉर्फी ठीक है जैसे कि आप जानते हैं क्लास पेलास्पीडो जो है बेसिकली इसके अंदर जो फिशेस पाई जाती हैं दैट आर लैम्परेज ठीक है इसके एग्जाम्पल है हमारे पास लैम्प रेस और ये जो है बेसिकली फैमिली टीरो से बिलोंग करती है टीरो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है टीरोस कहते हैं स्टोन को ठीक है टीरोस कह रहे हैं हम स्टोन को और माइजोन कहते हैं अटैचमेंट को या सकिंग को ठीक है तो टीरोज़ को हम कह रहे हैं स्टोन और माइजोन कह रहे हैं अटैचमेंट या फिर सकिंग तो इस से आपको नज़र आ रहा है कि इसका जो माउथ है वो सकिंग अपरेटस बना रहा है एक ऐसी अटैचमेंट जिससे हम किसी भी चीज़ के साथ ये आसानी से अटैच हो सकती है फ़िश जिसकी बेस पर हम इसे कह रहे हैं टीरो माइजोनटी से ये बिलोंग करती है इसका जो माउथ है वो सकिंग अपरेटस के तौर पर काम करता है जो आसानी से इसे किसी भी स्टोन के साथ या किसी भी फिश के साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है और बेसिकली ये नॉर्दर्न हेमिसफेयर में ये फिश पाई जाती हैं वहाँ के जो मेरी फिशेज बेसिकली सर्वाइव करी होती है नॉर्दर्निसक्टर्स करें, करें तो सबसे पहले हमारे पासिंग माउथ जैसे हमने लास्ट पहले डिस्कस किया कि इनका जो माउथ है वो के पर काम कर रहा है जैसे कि आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा होगा कि ये जो है एक फिश है जैसे हम कह रहे हैं अटैच हुई हुई है स्टोन के साथ उसका माउथ जो है डायरेक्टली सक किया हुआ है स्टोन के साथ उसने तो जिसकी वजह से ये सकिंग माउथ इनके अंदर मौजूद होता है जिसके अंदर टीथ होते हैं और रेस्पिंग टंग होती है ठीक है जैसे कि आपको लास्ट में भी टीथ जो है पिछली स्लाइड में आपको इसके टीथ नज़र आए होंगे ठीक है जैसे आपको यहाँ पर इसके टीथ नज़र आ रहे हैं जो कि इसके माउथ के अंदर मौजूद हैं लेकिन इनके अंदर जॉस मौजूद नहीं होते क्योंकि ये जॉलेस फ़शिज़ हैं लेकिन माउथ के अंदर टीथ मौजूद हैं जो कि किसी भी जो इनकी प्रे है जैसे मैंने कहा कि ये पैरासिटिक फ़िशज़ हैं तो इन्होंने किसी न किसी फ़िश पर फीड करना है ये कि किसी भी ऑर्गेनिज्म पर जब इन्होंने फीड करना है तो ये जो टीथ है अपने माउथ को जो है वो सक कर लेते हैं उस फिश के साथ और ये टीथ के ज़रिए से उसके अंदर से ब्लड या जो भी इन्होंने मटीरियल लेना है फीड के तौर पर उसके अंदर से आसानी से सक कर लेते हैं ठीक है और ये जो टीथ हैं इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाते हैं उस फिश के साथ इन टर्न वो फिश जो है उसको बहुत ज्यादा वाउंड जो है पहुंचता है उसको ज़ख्म हो जाते हैं उसकी बॉडी पर जब इसको ये छोड़ती है तो इसका मतलब है ये जो है पैरासिटिक फिशेस हैं खुद तो अपनी खुराक ले रही होती हैं फिश से लेकिन इन टर्न दूसरे को हार्म दे रही होती हैं नुकसान पहुँचा रही होती हैं ठीक है तो इनके अलावा हमारे पास दे हैव सेवन पेयर्स ऑफ फ्रेंजियल स्लिट्स ठीक है इनके इनके पास फ्रेंजियल स्लिट्स मौजूद होती हैं जो कि आप जानते हैं कि कॉर्डेट का बेसिक हॉल मार्क है और ये जो है इनके अंदर भी मौजूद है इसी तरह हमने क्लास मिक्जनी के अंदर भी डिस्कस किया था कि उनके अंदर भी फाइव टू फिफ्टीन पेयर ऑफ फ्रेंजियल स्लिट्स पाई जाती हैं इसी तरह इनके अंदर भी सेवन पेयर्स पाए जा रहे हैं जो कि बेसिकली इनको रेस्पायरेशन में हेल्प करेगा और साथ साथ फ़िल्टर फीडिंग में भी हेल्प करेगा इसके अलावा इनके अंदर ब्लाइंड ऑलफेक्ट्री सेक्स मौजूद होती हैं ठीक है ब्लाइंड हैं जैसे हमने क्लास मिक्जनी में डिस्कस किया था कि उनकी जो ऑलफेक्ट्री सैक्स हैं वो डायरेक्टली माउथ के अंदर ओपन हो रही होती हैं जबकि इनके अंदर ब्लाइंड ऑलफेक्ट्री सैक्स हैं तो आप लोगों ने इनका डिफरेंस याद रखना है एग्जाम्पल की बात करें तो एग्ज़ाम्पल है इसकी लेम्परेज दैट आर पैरासिटिक फिशेज ठीक है लैमप्रेज इसकी बेसिक एग्जाम्पल है हमारे पास नेक्स्ट अगर हम इनका हैबिटेट डिस्कस करें लैमप्रेज को हमने बेसिकली अब डिस्कस करना है हैबिट एंड हैबिटेट ठीक है कि ये किस इन्वायरमेंट में रह रही होती हैं लैम्बरेज लिव इन मेरीन एंड फ्रेश वाटर ठीक है मेरीन इन्वायरमेंट में भी ये सर्वाइव कर रही होती हैं और मेरी बेसिक इनका जो इन्वायरमेंट है वो मरीन है लेकिन मेरीन से ये फ्रेश वाटर में मूव कर जाती हैं माइग्रेट कर जाती हैं स्पॉनिंग के लिए जब इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है तब ये मूव कर जाती है मरीन इन्वायरमेंट से फ्रेश वाटर की तरफ इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों इन्वायरमेंट में सर्वाइव करती हैं मरीन वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी इन टेम्परेट रीजनस ठीक है कि टेम्परेट रीजन में दोनों इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव कर रही होती हैं, लेकिन बेसिकली इनकी जो अकरेंस है वो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में ये पाई जा रही होती हैं, ठीक है अगर हम इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करें कि इसकी जो बेसिक एग्जाम्पल है जैसे मैंने कहा कि सी लैम्परे है लैम्परेज जो है बेसिकली सी लैम्परेज हम इसे कहते हैं ठीक है सी लैम्परेज और इसकी इसकी जो है वो एग्जाम्पल है साइंटिफिक नेम है पेट्रोमाइजोन मैरिनस ठीक है पेट्रोमाइजोन मैरिनस ये इसका साइंटिफिक नेम है जो कि दोनों एटलान्टिक ओशन जो है हमारा अमेरिका और यूरोप में उसमें जो है वो दोनों साइड्स पे पाई जाती है ये बोथ साइड्स में अटलान्ट ओशन के ठीक है तो ये हमारे पास इसकी हैबिट हो गई कि बेसिकली मेरीन वाटर में पाई जा रही है फ्रेश वाटर में भी ये पाई जाती है जब इन्होंने माइग्रेशन करनी होती है तो फ्रेश वाटर की तरफ मूव करती हैं अगर हम नॉर्थ अमेरिका में डिस्कस करें कि नॉर्थ अमेरिका में इसकी स्पीशीज़ कितनी हैं तो टोटल इसकी बेसिक हमारे पास 24 स्पीशीज़ इसकी पाई जाती हैं नॉर्थ अमेरिका में ठीक है जिसे हम कह रहे हैं अटलांटिक ओशन में इसकी बेसिक 24 फोर स्पीशीज़ हैं उस 24 में से हाफ़ जो हैं जैसे हम कह सकते हैं कि 12 जो स्पीशीज़ होंगी हाफ मोर देन हाफ जो हैं वो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ गुजार रही होती हैं ठीक है कि पैरासिटिक होती हैं मीन्स दूसरी फिशेस पर फीड कर रही होती हैं जबकि रिमेनिंग जो है वो ब्रुक लैम्परेज होती हैं ठीक है जो जो नॉन पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ गुजारती हैं ठीक है तो हमने डिस्कस किया कि अमेरिका में इसकी टोटल जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका में 24 स्पीशीज़ हैं उसमें से हाफ पैरासिटिक हैं जबकि बाकी हमारे पास ब्रुक लैम्परेज हैं जिसको हमने आगे डिटेल में डिस्कस करना है जो कि नॉन पैरासिटिक होती हैं जबकि हाफ जो हैं वो पैरासिटिक हैं पैरासिटिक जो हैं वो स्पीशीज़ उनका दूसरी होस्ट स्पीशीज पर मेजर इन्फ्लुएंस तो नहीं होता लेकिन ये अपना बेसिक जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज़ पैरासिटिक ठीक है तो ये थी हमारी लैम्प्रे के बारे में इंट्रोडक्शन इसमें हमने जो आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है दैट इज इस लैम्प्रे इसमें आपको इसके फिन नज़र आ रहे होंगे कॉर्डल फिन है डॉर्सल फिन है ये ट्रंक का रीजन है और इसके अलावा आपको फ्रेंजियल स्लिट्स भी नज़र आ रही हैं आईज हैं नॉस्ट्रिल है और बकल फनल है ठीक है स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर है इसका जो कि माउथ बना रहा है इसका नीचे से जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था ये आपको नज़र आ रहा है ये इसका जो है वो इंटीरियर साइड आपको नज़र आ रही है अंदर से इसका माउथ आपको नजर आ रहा है अगर हम इसका जो बाहर से देखें डॉल्सल साइड से तो आपको इस तरह से इसका माउथ नज़र आएगा और इसके अंदर आपको टीथ नज़र आएंगे जो कि रेस्पिंग टंग लाइक -like स्ट्रक्चर उसके अंदर मौजूद होती है जो कि स्केल्स की जो है वो अगर किसी फिश पर फेड करती हैं तो इसको स्केल उतारने में हेल्प कर रही होती है ठीक है और माउथ जो सकिंग माउथ है वो इसको किसी भी चीज़ के साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है ठीक है तो नेक्स्ट अगर हम इनका न्यूट्रिशन डिस्कस करें मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन तो ओबियसली जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये इनमें से जो हाफ हैं 24 में से हाफ जो है वो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ गुजारती हैं और जो बाकी हैं वो ब्रुक लैम्परेज हैं अगर हम इनका पैरासिटिक देखें मोड ऑफ लाइफ तो सबसे पहले हम इनकी पैरासिटिक को डिस्कस करते हैं मोस्ट एडल्ट प्रे ऑन द अदर फिशेस ठीक है कि मोस्ट एडल्ट लैम्प्रेज जो हैं जिसे हम सी लैम्परेज कह सकते हैं जिसमें हमने एग्जांपल डिस्कस की थी पेट्रोमाइजोन मैरिनस की उसको हम कह सकते हैं कि वो दूसरी फिशेस पर फीड करती है ठीक है जो अमूमन सी में पाई जाती हैं फिशेस उस पर फीड कर रही होती हैं देर लार्वी आर फिल्टर फीडर्स ठीक है कि उनके इनके लार्वी जो हैं बेसिकली फ़िल्टर फीडर्स होते हैं क्योंकि आपको पता है कि इनके अंदर जो है वो फ्रेंजियल स्लिट्स पाई जा रही हैं तो फलिट्स इनको फिल्टर फीडिंग में हेल्प करेंगे लार्वा को भी फिल्टर फीडिंग में हेल्प करेंगे द माउथ ऑफ एन एडल्ट इज सक्कर लाइक सराउंडेड बाय लिप्स ठीक है कि इसका माउथ आपको नजर आ रहा है सक्कर लाइक -like है उसके इर्द गिर्द लिप्स मौजूद हैं और लिप्स के इर्द गिर्द भी आपको एपिडर्मल टीथ नजर आ रहे हैं ठीक है कि ये जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ये एपिडर्मल टीथ है और उसके अंदर भी टीथ है इसके अंदर आपको नजर आ रहे होंगे न्यूमरस एपिडर्मल टीथ लाइन द माउथ के ये सारे के सारे टीथ जो हैं वो इसको लाइनिंग की होती है माउथ में Mouth ke Adult lampreys is attached to prey with their lips and teeth. ठीक है कि इन्होंने अगर किसी भी फिश पर फीड करना है ठीक है कि यहाँ पर अगर कोई फ़िश है तो ये डायरेक्टली अपना माउथ जो है वो इसके ऊपर सक कर लेते हैं और लिप्स के जरिए से अटैचमेंट करवाते हैं अपने माउथ की किसी भी फिश के साथ इट यूज इट्स टंग टू रेस्प अवे स्केल्स ठीक है कि अगर फिश पर फीड करें तो आपको पता है कि फिश की बॉडी पर जो है वो स्केल्स मौजूद होंगे एपिडर्मल स्केल्स होंगे तो ये जो है वो स्केल्स को उतारने के लिए उसको रेस्पअ अवे करने के लिए अपनी टंग को इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने कहा था कि इनके अंदर रेस्पिंग टंग मौजूद होती है जो कि इनको स्केल की विदरिंग में हेल्प करते हैं ठीक है तो ये था इनका मोड ऑफ लाइफ दैट इज पैरासिटिक जो है पैरासाइट के तौर पर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ ये गुजारे होते हैं ठीक है और एडल्ट जो है बेसिकली दूसरी फिशेस पर फीड करते हैं और इनका माउथ जो है वो शक्कर लाइक ऑपरेटर्स के तौर पर काम करता है नेक्स्ट इनके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं लैम्प्रेज हैव स्लाइवरी ग्लैंड्स वो स्लाइवरी ग्लैंड क्या काम करते हैं कि वो एंटी कोगुलेंट सिक्रीशनस प्रोड्यूस करते हैं जैसे आपको यहाँ पर फिश नज़र आ रही है और ये जो है लैम्प्रे है ऊपर वाली लैम्प्रे और ये बेसिक फ़िश है ये क्या करेगी अब इसने इस पर फीड करना है अपना माउथ और माउथ और लिप्स के जरिए से जिसके अंदर टीथ भी मौजूद होंगे ये अटैचमेंट करेगी कि किसी भी पॉइंट पर फ़िश की बॉडी पर और एंटी कागोलेंट इसके जो स्लाइवरी ग्लैंड है इसकी बॉडी पर स्लाइवरी ग्लैंड मौजूद होंगे वो एंटीकॉगोलेंट सिक्रीट करेंगे वो एंटी कागोलेंट अब वो फ़िश की बॉडी में इंजेक्ट करेगी लैम्प्रे फ़िश की बॉडी में एंटीकॉगोलेंट इंजेक्ट करेगी जिसकी वजह से ये जो फिश का जो ब्लड होगा वो कोगुलेट नहीं करेगा बल्कि डायरेक्टली जो है वो लैंपरे की बॉडी मतलब लैम्परे उसको इंजेक्ट करना शुरू कर देगी अपनी बॉडी के अंदर ठीक है सक करना शुरू कर देगी फिश के ब्लड को क्योंकि जो लैम्परेज हैं मेनली ब्लड पर फीड करती हैं प्रे के प्रे कौन है प्रे फिश है ठीक है तो अब फिश की बॉडी पर इसने फिश की बॉडी के ब्लड पर फीड करना है तो ब्लड जैसे ही एयर के अंदर एयर में आता है तो कोगुलेट करना शुरू कर देता है जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलती है तो इसका मतलब है उसको एंटी कोगुलेंट सिक्रीशन सिक्रीट करनी पड़ेगी इस लैम्परे को जिसकी वजह से ब्लड जो है वो कागुलेट नहीं करेगा बल्कि डायरेक्टली लैम्परे जो है उसको सक कर लेगी और उस पर फीड करेगी ठीक है तो हम इसे कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो है वो प्रे जो है उस पर अपनी प्रे को कोगुलेंट सिक्रीशन सिक्रीट करती है ताकि उसके ब्लड पर आसानी से फीड कर सके इसके अलावा इनका जो प्रीडेटरी मोड है इसमें ये क्या करते हैं कि माउथ से जो है इसने अपना फिश को है सक करना है उसके बाद ये जो के शार्प कैरेटनाइज टीथ होते हैं ये उसके अंदर जो है वो शार्प कैरेटेइज टीथ के जरिए से उसके अंदर पेनिट्रेशन करती है जिसकी वजह से उसका फ्लैश जो है वो आसानी से ये खींच लेती है फ्लैश को और कंज्यूम करती है उसके फ्लैश को भी और फ्लूइड्स को भी फ़िश की बॉडी के फ्लूइड्स क्या होंगे ब्लड होंगे और उसके अलावा उसके फ्लैश को भी फीड करेगी जिसकी वजह से ये ब्लड को फी ब्लड पर भी फीड करेगी और उसके फ्लैश पर भी फ़ीड करेगी लेकिन जैसे ही ये जो है अपनी जो सकिंग अटैचमेंट है मतलब अपना माउथ जो यहाँ से अलग करेगी फ़िश से अलग करेगी पेनिट्रेशन ख़त्म करेगी तो यहाँ पर एक वाउंड छोड़ देगी जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है वाउंड ठीक है कि अब इसने अपना टीथ जो है वो अलग कर दिए हैं अब जो लैम्परे है वो अलग हो गई है इसने अपना फ़ीड कर लिया है जितना इसने खुराक लेनी थी वो ले ली है तो इस एज अ रिज़ल्ट इसने फ़िश की बॉडी पर जो है वो एक वाउंड छोड़ दिया है एक

ये जो है वो डेथ भी इसकी हो सकती है इस फिश की ठीक है तो इन टर्न इसने तो अपनी फीड ले ली लेकिन जो है वो दूसरी फिश को इसने नुकसान पहुंचाया तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पैरासिटिज्म पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ गुजार रही होती हैं लैम्परेस ठीक है तो ये था इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन नेक्स्ट है हमारे पास ब्रुक लैमपरेस जैसे मैंने डिस्कस किया कि हमारे पास जो टोटल इसकी स्पीशीज़ हैं लैम्परेस की 24 हैं और उसमें से हाफ पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ गुजारती हैं और हाफ जो है वो नॉन पैरासिटिक हैं दैट आर ब्रुक लैम्परेस ब्रुक लैम्परेज क्या है मेंबर्स ऑफ द जीनस लैम्पटीरा ठीक है कि जीनस है हमारे पास लैम्परेज uh, का दैट इज लैम्पटीरा लेम्पटीरा को इसका करेक्टर क्या है इसको हम कह सकते हैं स्टोन लिकर ठीक है कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो लैम्परेज हैं बेसिकली स्टोन के साथ सकिंग के जो है वो मोड ऑफ लाइफ गुजार ही होती है सक करके तो इसको हम भी हम कह रहे हैं कि जो लैम्पटीरा है स्टोन लिकर है इसका जो जनरल नेम है स्टोन लिकर ठीक है आर कॉल्ड ब्रुक लैम्प्रेज इसको हम कह रहे हैं ब्रुक लैम्प्रेज द लार्वल स्टेजेस ऑफ द ब्रुक लैम्प्रेज लास्ट फॉर थ्री ईयर्स ठीक है तीन साल तक इसकी लार्वल स्टेजेस रहती हैं मतलब मेटामॉर्फोज नहीं होती एडल्ट में बल्कि तीन साल तक लैम्प्रे का जो लार्वा है वो सर्वाइव करता है देयर एडल्ट डोंट फीड और लीव देयर स्ट्रीम जैसे ही ये जो लार्वा है ठीक है लार्वा मेटामोरफोज होगा चेंज होगा एडल्ट में ठीक है तो अब एडल्ट जो है वो फीड नहीं करेगा बल्कि और ना ही किसी और स्ट्रीम में मूव करेगा बल्कि डायरेक्टली रिप्रोड्यूस करेगा और रिप्रोडक्शन के बाद इसकी डेथ हो जाएगी डाई सोन आफ्टर मेटामोरफोसिस ठीक है कि जैसे ही लैम्प्रेज ने जो इसके लार्वी ने रिप्रोड्यूस किया उसके बाद मेटामोरफोसिस होगी मतलब लार्वा जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा एडल्ट में और उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि वो फीड नहीं करेगा ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज ब्रुक लैम्परेज नेवर फीड ठीक है कि उनका डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो डी हो जाता है क्योंकि उन्होंने फीड ही नहीं करना जब उन्होंने फीड ही नहीं करना तो ऐसी चीज़ जिसका कोई काम ही नहीं है वो डी हो जाएगी नॉन फंक्शनल हो जाएगी ठीक है हम कह सकते हैं कि इनका जो जो इनका जो डाइजेस्टिव दाएज, सिस्टम होगा वो डी हो जाएगा या फिर नॉन फंक्शनल स्ट्रैंड ऑफ टिश्यू जो है वो होगा ठीक है नॉन फंक्शनल जो है वो टिश्यू के तौर पर काम करेगा और उसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी सोन आफ्टर मेटामोरफोसिस ठीक है तो ये थी हमारे पास ब्रुक लैम्परेज जैसे कि आपको इनकी डायग्राम भी नजर आ रही है ये नॉन पैरासिटिक होती है लार्वा फ़ीड करता है मेटामो लेकिन सॉरी फिल्टर फीडिंग के जरिए से फीड करता है इनका लार्वा तीन साल तक उसकी जो स्टेजेस हैं वो चलती रहती हैं लार्वा की लेकिन जैसे ही ये मेटामॉर्फोस होता है एडल्ट में जो एडल्ट है वो फीड नहीं करता बल्कि सून उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि उसका डायजेस्टिव सिस्टम डी हो जाता है जब उसने फीड ही नहीं करना तो डायजेस्टिव सिस्टम का कोई काम नहीं है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी सोन आफ्टर मेटामोफोसिस दिस वॉज ब्रुक लैमप्रेस ठीक है नेक्स्ट इज़ लाइफ साइकिल ठीक है अब हमने लाइफ साइकिल डिस्कस करना है जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास जो लैम्परेज uh, हैं वो बेसिकली मरीन इन्वायरमेंट में रहती हैं मरीन फिशेस हैं लेकिन जैसे ही इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है इन्होंने स्पॉनिंग करनी होती है तो ये फ्रेश वाटर की तरफ मूव करती हैं तो हमने इनकी रिप्रोडक्शन डिस्कस करनी है एडल्ट सी लैम्परेज लिव इन ओशन जैसे मैंने आपको सी लैम्परेज बताया दैट वाज टोमाइजोन पेट्रोमाइजोन मैरिनस ठीक है पेट्रोमाइजोन मैरिनस सी लैंपरे थी हमारे पास वो क्या करेगी पहले ओशन में रहती है लेकिन जैसे ही स्पॉनिंग करनी होती है दे माइग्रेट नियर द एंड ऑफ देयर लाइफ्स टू अ स्पॉनिंग बेड इन अ फ्रेश वाटर स्ट्रीम ठीक है कि जैसे ही उन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है वो फ्रेश वाटर स्ट्रीम की तरफ मूव करती हैं स्पॉनिंग बेड की तरफ ठीक है स्पॉनिंग बेड मतलब वो जगह जहाँ पर उन्होंने स्पॉनिंग करनी है एग ले करने हैं उस तरफ वो मूव करेंगी ठीक है और वो इसको इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये जो माइग्रेशन है सी टू फ्रेश वाटर है तो इस माइग्रेशन का या ऐसी फिशेस को हम कहते हैं एनाड्रोमस ठीक है एनाड्रोमस फिशेस ऐसी फिशेस जो कि सी से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करती हैं फॉर स्पॉनिंग तो उसे हम क्या कह सकते हैं एनाड्रोमस फिशेस ठीक है एनाड्रोमस फिशेस ऐसी फिशेस जो कि फ्रेश वाटर की तरफ मूव करती हैं स्पॉनिंग के लिए ठीक है अब क्या होगा लैम्परेज मेक देयर नेस्ट ठीक है लेम्परेज जो है वो नेस्ट बनाएंगे अपनी और नेस्ट बनाने का काम बेसिकली मेल लैम्प्रे का होगा ठीक है मेल लैम्परेज जो है वो नेस्ट बनाएंगे किस तरह से नेस्ट बनाते हैं वो बेसिकली ओवल शेप का नेस्ट बिल्ड करते हैं ठीक है उनका जो ओरल अपरेटस है ओरल डिस्क है आपको पता है कि इनके अंदर सकिंग माउथ होता है वो लिफ्ट करते हैं स्टोन्स को मुख्तलिफ तरह की पेबल्स को और उनकी जो विगुरस बॉडी होती है वो उनको मुख्तु तरह के मटीरियल उठाने में उसको लिफ्ट करने में हेल्प करती है जिसकी वजह से वो वहाँ पर डेबरीज में एक जो है वो ओवल शेप का नेस्ट बना लेते हैं डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पॉनिंग की जाती है ठीक है अब फीमेल आएगी इसने मेल ने नेस्ट बना लिया है मुख्तलिफ तरह के पेबल्स और स्टोन से अब क्या करेगा फीमेल आएगी और अपनी जहाँ यहाँ पर जो पेबल्स पड़ी हैं वहाँ पर अपनी बॉडी को आकर अटैच कर लेगी थ्रू माउथ ठीक है और वहाँ पर एग ले करेगी इस, पेब, इस जो है नेस्ट के अंदर जो है एग ले करेगी जो कि स्टिकी एग होंगे स्टिकी इन नेचर होंगे और वो जो है मुख्तु तरह के जो स्टोन हैं और पेबल्स हैं उसके साथ आकर अटैच हो जाएंगे वो एग ठीक है जैसे ही एग शेड होंगे उसके बाद मेल आएगा और उसको एग्स को फर्टिलाइज करेगा जिसके बाद जो है वो हमारे पास जो एग है फर्टिलाइज हो जाएंगे और उसके बाद लार्वा बनेगा ठीक है तो ये थी हमारे पास इसकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें मेल ने नेस्ट बिल्ड किया स्मॉल डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर बनाया फीमेल अटैचेज इज सेल्फ टू अ स्टोन विद हर माउथ ठीक है फीमेल जो है वो स्टोन के साथ अगर अटैच होगी मेल यूजेज इज माउथ टू अटैच टू फीमेल हेड ठीक है मेल अपना माउथ यूज करके फीमेल के हेड के साथ अटैच होता है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल आफ्टर दैट एडल्ट डाई ठीक है कि एग एग शेड कर दिए जाएंगे और जिसको जो है फर्टिलाइज़ कौन करेगा मेल फर्टिलाइज़ करेगा और उसके बाद फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रही है और उसके बाद फ़ौरन जो है एडल्ट की डेथ हो जाएगी ठीक है अब हमारे पास आगे जो है वो डेवलपमेंट है कि फ़र्टिलाइजेशन हो गई है तो डेवलपमेंट कैसे होनी है दस्टे कि एग्ज आर कवर्ड विथ सैंड ठीक है कि एग जो है वो बेसिकली हमने कहा कि डिप्रेशन लाइक नेस्ट होता है इनका तो उसके अंदर पेबल्स हैं स्टोन्स हैं तो बेसिकली एग्स जो हैं वो सैंड के साथ कवर हुए होते हैं एग्ज़ आर हैच्ड इन थ्री वीक्स एंड एमोसीट लार्वा आर फॉर्म्ड ठीक है कि जो है दो या तीन वीक के अंदर हैच कर जाएंगे और एक लार्वा लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे एमोसीट लार्वा ठीक है एमोसीट जो लार्वा है उसकी जो शेप है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी पेरेंट के साथ मैच नहीं करता ना ही मेल लैम्परे के साथ ना ही फीमेल लैम्परे के साथ बिल्कुल भी वो मैच नहीं करता जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा एमोसीट लारवा जो कि आपको बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ठीक है और आप कह सकते हैं कि ये एमोसीट आपको लार्वा आपने पीछे भी कहीं देखा है लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो शेप है वो एम्फी से मिलती जुलती है ठीक है एम्फी क्या था ठीक है एम्फी हमारे पास कॉर्डेट था ठीक है जिसे हमने कहा था कि ये एनसेस्टर है वर्टीब्रेड का कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे करैक्टर हैं जो वर्टीब्रेड से मिलते जुलते हैं और इसमें हमें एमोसीड लार्वा में एम्फ्यक्शस के करेक्टर्स नजर आ रहे हैं ठीक है यहाँ पर आपको इसके अंदर नोटोकॉर्ड भी नज़र आ रही है नर्व कॉर्ड नजर आ रही है गिल स्लिट्स नजर आ रही है पोस्टेनल टेल आपको नजर आ रही है तो इसलिए इसके जो करेक्टर्स हैं वो एम्फ्यक्शस से या फिर कॉर्डेट से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं जिसकी बेस पर जो साइंटिस्ट ने इनको अर्ली जो है वो रेकगनाइज किया और कहा कि ये कोई अलग ही कोई स्पीशी है ये लैम्प्रे नहीं है लेकिन जैसे ही ये एमोसीड लारवा मेटामॉर्फोज होता है एडल्ट में तो ये लैम्प्रे का जो है पेरेंट लैम्प्रे जैसा बन जाता है जिसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि ये जो है वो लार्वल स्टेज है जस्ट लाइक एम्फी इसकी बॉडी होती है क्योंकि इसके अंदर कॉर्डेट लाइक करेक्टर मौजूद होते हैं और बेसिकली ये फिल्टर फीडर होता है और मुख्तलिफ तरह के टीनी ऑर्गेनिजम्स पर फीड कर रहा होता है ठीक है अब ये जो स्टेज है लार्वा मूव डाउन टू तो सॉफ्टर सबस्ट्रेट ठीक है कि ये तीन वीक के बाद जो लार्वा बना है वो सॉफ्टर सब सबस्ट्रेट की तरफ मूव करेगा और ख़ुद को जो है वो सैंड और लीटर के नीचे दबा लेगा ठीक है लार्वा ग्रो फ्रॉम सेवन टू सेवनटीन सेंटीमीटर फॉर थ्री इयर्स ठीक है सेवन से सेवनटीन सेंटीमीटर तक ये ग्रो करता है तीन तीन सालों तक फिर उसके बाद क्या होता है फाइनली द लार्वा मेटामोज इनटू एडल्ट अब ये जो लार्वल स्टेज है वो किस में चेंज हो जाएगी एडल्ट लैम्परे के अंदर चेंज हो जाएगी ठीक है तो ये चेंज इनके अंदर कैसा आएगा कि पहले तो हमारे पास इसके जो करेक्टर्स हैं वो जस्ट लाइक कॉर्डेट हमें नज़र आ रहे हैं कि नर्व कॉर्ड है नोटो कॉर्ड है फ्रेंजियल गिल स्लिट्स हैं लेकिन जैसे ही लैम्परे का एडल्ट बॉडी हमें जो है वो इससे बनना बनना शुरू होगी मतलब मेटामोरफोसिस होगी तो उसमें हमें क्या क्या नज़र आएगा कि इनके अंदर जो है वो एरपन होगी आइस की ठीक है लार्वा के अंदर आइस की अरप्शन होगी आइस बनना शुरू हो जाएंगी रिप्लेसमेंट ऑफ हुड बाय बकल फनल ठीक है कि ये आपको हुड लाइक जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये बकल फनल में चेंज हो जाएगा जैसे कि आपको पता है कि लैम्परेज के अंदर फनल लाइक माउथ होता है जो है उनको सकिंग में हेल्प करता है तो इनका जो हुड लाइक स्ट्रक्चर है वो बकल फनल में चेंज हो जाएगा इसके अलावा इनके अंदर जो माउथ के अंदर कैरेटेनाइज टीथ बनना शुरू हो जाएंगे ठीक है कि कैरेटनाइज uh, टीथ बनना शुरू हो जाएंगे इसके अलावा एनलार्जमेंट ऑफ फिनस ठीक है कि यहाँ पर फिन लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएंगे जैसे आपको पता है कि इनके अंदर डॉर्सल और कॉर्डल फिन मौजूद होते हैं लैम्परेज के अंदर ठीक है और मेचोरेशन ऑफ गोनेड्स ठीक है जो गोनेड्स हैं इनके मैचोर होना शुरू हो जाएंगे और गिल ओपनिंग्स जो हैं वो मॉडिफाई होना शुरू हो जाएंगी जो वो फिर स्लिट्स हैं वो मॉडिफाई होना शुरू हो जाएंगी ठीक है तो ये जो है वो चेंजेस आएंगी ला लार्वा टू एडल्ट फॉर्म जब बनेगी मतलब मेटामोफोसिस होगी तो क्या क्या चेंजेस आएंगी आइज़ जो है वो एरपन होना शुरू हो जाएगी आइज बनना शुरू हो जाएंगी फिनस जो है वो एनलार्ज होना शुरू हो जाएंगे गोनेड्स मेचोर होंगे गिल स्लिट्स मॉडिफाई होना शुरू हो जाएंगी ठीक है और बक्कल फनल बनना शुरू हो जाएगी मतलब माउथ के अंदर टीथ कैरेटेइज टीथ बनना शुरू हो जाएंगे जैसे कि आपको पता है कि लैम्परेस के अंदर टीथ मौजूद होते हैं ठीक है तो ये मेटामोफोसिस होगी एडल्ट की ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास ये आपको लाइफ साइकिल नजर आ रहा है जो हमने पीछे डिस्कस किया है उसी की जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको नजर आ रही है इसमें हमारे पास आपको यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें ठीक है यहाँ पर आपको फिश नज़र आ रही है दैट इज द होस्ट दैट इज द प्रे एंड दिस इज द लैम्प्रे ठीक है लैम्प्रे फीडिंग ऑन द फिश इन ओपन सी ओपन ओशन मतलब ये जो है अभी ओशन के जो है मरीन वाटर में रह रही है अभी फीडिंग कर रही है अपनी किसी और फिश पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपना माउथ जो है वो अप्रेटस जो है वो इसके साथ अटैच करेगी टीथ के जरिए से फीड करेगी एंटी कोगुलेंट क्रिएट करेगी ब्लड पर और इसके फ्लैश पर फीड करेगी ठीक है जिसके नतीजे में इसके जो इसकी बॉडी पर फिश की बॉडी पर कोई ना कोई बाउंड हो जाएगा और उसको इन्फेक्शन की वजह से उसकी डेथ भी हो जाएगी ठीक है अब ये जो लैम्प्रे है इसके अंदर गिल स्लिट्स आपको नजर आ रही है माउथ भी नजर आ रहा है ये क्या करेगी जब इसने स्पॉनिंग करनी होती है जो कि बेसिकली आ, स्प्रिंग के सीजन में होती है अर्ली समर में या स्प्रिंग में तो ये माइग्रेट करेगी कहाँ से आ, ओशन से फ्रेश वाटर स्ट्रीम की तरफ मतलब एनाड्रोमस माइग्रेशन होगी और वहाँ पर ये जो है मेल जाकर नेस्ट बनाएगा ये आपको नेस्ट नज़र आ रहा होगा ठीक है मेल ने नेस्ट बनाना है मुख्तु तरह की पेबल्स और स्टोन इकट्ठा करके और फीमेल वहाँ पर आएगी स्टोन के साथ जो है वो अटैचमेंट करेगी और एग ले करेगी और इसकी उसी तरह मेल आएगा और उसको एग्स को फर्टिलाइज़ करेगा ठीक है तो ये जो है मीटिंग हो रही है मेल और फीमेल मीटिंग कर रहे हैं फिर उसके बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी दैट इज़ एक्सटर्नल और एमोसीड लार्वा बनेगा जो पार्शली बिल्डअप कर लेगा जो बरीड कर लेगा ख़ुद को सैंड और लेटर के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है कि पार्शली जो है वो अंदर संकन हुआ हुआ है बरीड हुआ हुआ है ठीक है मड के अंदर फिर उसके बाद ये जो है वो टू से थ्री वीक्स के बाद इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की चेंजेस आएंगी और थ्री ईयर्स तक ये इसी तरह रहेगा फिर उसके बाद ये मेटामॉरफोसिस करके चेंज हो जाएगा एडल्ट लैम्परे में ठीक है एडल्ट लैम्परे दोबारा से फ्रेश वाटर से कहाँ मूव कर जाएगा ओशन की तरफ और ओशन में जाकर फीडिंग स्टार्ट कर देगा दैट इज देयर मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन ठीक है कि किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं और किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं अगर हम इसका देखें कि ये बेसिकली फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग कर रहे हैं फिशिज इनके अंदर सब फाइलम है वर्टिब्रेटा हमारे पास क्लास एक है और जीनस है हमारे पास टीरो माइजोन क्लास है हमारे पास टीरो माइजोन है हमारे पास जो कि हमने कहा टीरो माइजोन्टड़ी पेट्रो माइजोंटडी जो है वो इसकी फैमिली है बेसिकली और हमारे पास एग्जाम्पल क्या है लैमप्रेस ठीक है स्टूडेंट होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा नेक्स्ट है हमारे पास लैम्परे और हैग फिश का डिफरेंस ठीक है जैसे कि आप जानते हैं हैक फिश बेसिकली क्लास मिगजनी से बिलोंग करती है और जो है क्लास फेलास्पिडोमॉर्फी या फिर पेट्रोमाइजोनटी जो है वो बेसिक इसकी फैमिली है उससे बिलोंग करती है जो है बेसिकली इनके अंदर जो लार्वल स्टेज है दैट इज एमोसीड लार्वा जबकि हैक फिश के अंदर हमने कोई लार्वा डिस्कस नहीं किया था तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई लार्वल स्टेज मौजूद नहीं होती इनके अंदर इनडायरेक्टली डेवलपमेंट होती है मतलब पहले जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वा बनता है लार्वा कुछ अरसा सर्वाइव करता है उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होती है तब जाकर एडल्ट बनता है तो इसका मतलब है डायरेक्ट डिवेलपमेंट नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट है जबकि इसके अंदर हमने डायरेक्ट डिवेलपमेंट डिस्कस की थी मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों में सर्वाइव करते हैं मतलब मेरीन वाटर में फीडिंग कर रहे होते हैं और उसके बाद जैसे ही इन्होंने स्पॉनिंग करनी होती है ये माइग्रेट कर जाते हैं फ्रेश वाटर की तरफ दैट इज़ एनाड्रोमस माइग्रेशन जबकि हैग फिशिज़ जस्ट मरीन इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रही होती हैं ठीक है और मोस्टली पैरासिटिक हैं ये जबकि ये स्कीवेंजर्स हैं डेड और डीकेइंग फिश पर फीड कर रहे होते हैं जबकि ये लार्वल जो है इनकी स्टेजि फिल्टर फीडर्स होती हैं जबकि एडल्ट स्टेजेस पैरासिटिक हैं हाफ जो है इनकी स्पीशीज पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ गुजार रही होती हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो ये था हमारे पास क्ला आ, क्लास फेलास्पिडोमॉर्फिक के बारे में डिस्कशन दैट इज इस इसल्प्रेस ठीक है नेक्स्ट हम जो है मजीद इसकी इंट्रोडक्शन जो है आगे लेके जाएंगे कार्टिलेजिनस और बोनी फिशिज़ की तरफ इसकी क्लासेस को लेके जाएंगे होप्सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा अल्लाह हाफिज़ थैंक यू सो मच